यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। सभी पार्टियां अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं और बाकी प्रत्याशियों की उतारने की भी दौर जारी है। आपको बता दें, इस दौरान प्रत्याशी गांव-गांव जाकर वोटरों को पार्टी की नीतियों के बारे में बताते हुए भी नजर आ रहे हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने जनसभाओं पर एक तरीके से रोक लगा रखी है, लेकिन डोर टू डोर कैंपेनिंग इस दौरान प्रत्याशी कर रहे हैं। कुछ इलाकों से प्रत्याशियों के विरोध की खबरें भी सामने आई। इस बीच खतौली विधानसभा से बीजेपी के विधायक और प्रत्याशी विक्रम सैनी का एक वीडियो काफी तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। बीजेपी के विधायक और प्रत्याशी विक्रम सैनी के विरोध में कुछ ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी की। विरोध के चलते प्रत्याशी को गांव से वापस लौटना तक पड़ गया। बाद में इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल होने लगा। वीडियो में विधायक गाड़ी में बैठकर विरोध में नारे लगा रहे ग्रामीणों के बीच से बचकर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, भाजपा विधायक विक्रम सैनी बुधवार को मंसूरपुर थाना क्षेत्र के मुनावरपुर कलागांव में एक सभा के लिए पहुंचे थे। स्कूल में गांव वालों ने चुनाव की चर्चा के दौरान कुछ युवकों ने बीजेपी प्रत्याशी विक्रम सैनी पर गांव में विकास न करने का आरोप लगाते हुए नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके लेकर प्रत्याशी नाराज हो गए। इस बात को लेकर गांव के कुछ युवकों ने प्रत्याशी के विरोध में भारी नारेबाजी शुरू कर दी और यहां तक कहने लगे कि देखते हैं कि इस बार आप कैसे जीतते हैं। गांव में काफी देर तक हंगामा होता रहा। बढ़ते हंगामे को देखते हुए विक्रम सैनी को गांव से वापस लौटना पड़ा। गांव में हुई इस घटना को लेकर जब बीजेपी प्रत्याशी विक्रम सैनी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि स्कूल के पंचायत में कुछ लोग शराब पी रहे थे, उन्होंने ही उनका विरोध किया। जिन लोगों ने उनका विरोध किया वो दूसरे प्रत्याशी के समर्थक भी हैं। विधायक विक्रम सैनी के विरोध का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होने लगा। इस वीडियो में विधायक गाड़ी में बैठकर हाथ जोड़ते हुए विरोध में नारे लगा रहे लोगों के बीच से निकलते नजर आ रहे हैं। इस बीच उनके सुरक्षाकर्मी भी उनके साथ दिखाई दे रहे हैं। देख लो, पल्ले में आया, पल्ले में क्या हम गया, दो आदमी।